अमा मियाँ यहाँ आना। कहिए साहब। ये क्या है भाई, खोलो। सॉरी सर, आपकी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा सकती। ओह नो। अमा मगर क्यों, प्रॉब्लम क्या है? इसलिए कि आगे नदी पर रामनगर जाने के लिए जो पुल था उसे आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया है। लेकिन मुझे और मेरे स्टूडेंट्स को आज शाम तक रामनगर पहुंचना था, हम वहाँ जियोलॉजिकल सर्वे के लिए जा रहे हैं। देखिए मैडम, जब तक ब्रिज रिपेयर नहीं होगा तब तक आप वहाँ नहीं जा सकते। कम से कम 10 दिन तो लग जाएंगे, आपको इंतजार करना पड़ेगा। ओके ओके हवलदार साहब, मगर क्या यहाँ आसपास कोई बस्ती या गांव है जहाँ हम ठहर सकें? जी हाँ, एक बस्ती है भवानीपुर, वहाँ आपके ठहरने का कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। ओके। आप एक काम कीजिए, वो साइड वाला रोड पकड़ लीजिए। वो? हाँ वो साइड वाला। शुक्रिया भाई। थैंक यू। चलो लल्लू, आराम से बना रहा हूँ, आराम से बैठ। का बोलत है खलीफा त्रिलोचन भैया, इतु फोटू में हीरोइन सुंदर दिखत है ना, ऐसा होत नहीं है सुंदर। सच कहते भैया, उस तरह फिराए के। अब कहा बताए भैया, इन हीरोइनों की काले बालों की भी उतार ली जाए, लिपस्टिक पाउडर पहुँच दी जाए, चुस्त लिबास की जगह ढीला लिबास पहना दिया तो बाकी कहाँ बचेगा? हम और मेहरारू। पैसे कितने हुए त्रिलोचन भैया? 10 रुपया। हमारे पास तो आज 5 ही रुपया है, पूरे 10 कर ले लेना। ना 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 ना, ना। हमारे 5 रुपया दे दे, आज का अंडा कल की मुर्गी से बहुत अच्छा होता है। चल निकल। अरे और कौन है? अरे हाँ हाँ त्रिलोचन भैया। चला क्यों भाई साहब, यहाँ भवानीपुर में कोई डाक बंगला या कोई गेस्ट हाउस है? अरे भाई, यहाँ कोई गेस्ट हाउस या कोई होटल नहीं है, यहाँ से बहुत दूर बाबा आदम के जमाने का एक डाक बंगला है जिसके मालिक का नाम है मारकंड देव महाराज। बस वही आपका सब बंदोबस्त हो जाएगा, अस्त्रा फिराए के। कितनी दूर होगा वो डाक बंगला यहाँ से? अरे भैया, उत्तर की तरफ जाए पड़े 2.5 मील, अस्त्रा फिराए के। हाँ शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो सुनील। कौन हो तुम लोग? बंदूक देख के डर गए? यह महातांत्रिक मारकंड देव जी का निवास स्थान है। लेकिन तुम कौन हो भाई? मैं राणा घनेतकर आए, यहाँ का चौकीदार, यहाँ का पहरेदार। क्या चाहिए तुम लोगों को? देखो चौकीदार, हमने सुना है कि इस डाक बंगले में मुसाफिरों की ठहरने का बंदोबस्त हो जाता है। हाँ हो जाता है, लेकिन कितने आदमी हो तुम लोग? हम लोग 9 हैं, न एक कम न एक ज्यादा। ठीक है, इंतजाम हो जाएगा। कौन है भाव? यात्री हैं। अच्छा। मेरी छोटी बहन मीनाक्षी, मारकंड देव महाराज की चेली। कितने दिन रहोगे आप लोग यहाँ? जब तक उस नदी के टूटे हुए पुल की मरम्मत नहीं हो जाती तब तक यहीं ठहरेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ रह सकते हैं।
क्या तांत्रिक जी यहाँ नहीं रहते? जी हाँ, यहाँ रहते हैं, पर दर्शन उसी को देते हैं जिसे वो पसंद करते हैं। हम सब शरीफ लोग हैं, वो हमें जरूर पसंद करेंगे। मोटी रकम देंगे तो जरूर पसंद करेंगे। इतनी रकम देनी पड़ेगी? एक दिन का 1,000। लेकिन एक दिन का 1,000 ये तो बहुत ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो कहीं और जाकर कम किराए वाली जगह ढूंढ लो। आप लोग नाराज मत हो, ये लो तुम्हारा 5,000 रुपए, 5 दिन का किराया। मारकंड ने नापसंद किया, अनर्थ कौर अनर्थ। माँ बाप बालिके, माँ बाप, तू हमारी चेली बनने के लायक नहीं है। तू मोमाया की पुजारण है, महालोभी है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। कदापि नहीं, कदापि नहीं। हम मानव समाज की निःशुल्क सेवा करना चाहते हैं, और तुमने बड़ी धनराशि लेकर हमारे नाम और प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे और एक मौका दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक है, पर ये अंतिम अवसर होगा। चल इनके रुपए ने वापस कर दे, चल। मारकंड ने पसंद किया, अब तुम इनके खाने पीने का और रहने का प्रबंध करो। जी, अभी करती हूँ। महाराज आप तो बहुत सज्जन और महापुरुष हैं। मारकंड ने पसंद किया बच्चे, परंतु महान केवल काली माता है, हम तो उसके तुच्छ बंदे हैं। जाओ इस कन्या के साथ जाओ, तुम्हें तुम्हारे कक्ष दिखाएगी। जी महाराज। आइए आप लोग। जय काली माता। बच्चा कौन हो सकता है? लगता अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। मार करने ना पसंद किया, ये खबर तो मां पाखंडी धूर्त जादूगर सामरी की है। रुक जा सामरी, रुक जा, रुक जा सामरी, सामरी रुक जा, मैं कहता हूं रुक जा। रुक जा सामरी, मैं कहता हूं रुक जा, रुक जा सामरी, रुक जा। मारकंड ने ना पसंद किया, बोल तूने इस जबोत बालक के शरीर में क्यों प्रवेश किया? छोड़ दे इसका शरीर, छोड़। मैं महातांत्रिक मारकंड देव हूं, तू मेरी शक्ति से परिचित नहीं है मूर्ख। छोड़ दे इस बालक का शरीर, छोड़ दे, वरना चलाकर भस्म कर दूंगा। मारकंड ने पसंद किया,
अब तेरी शक्ति इस मणके में है, तू भी मेरे कब्जे में और ये भी मेरे कब्जे में, चल। ये लीजिए महाराज, भोजन कर लीजिए। जय काली मां। अतिथियों ने भोजन कर लिया बेटी? जी हाँ महाराज। मारकंड ने पसंद किया, और तुमने? अब जाकर खा लूंगी, पर महाराज मैं आपसे। हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? जी हाँ, नहीं नहीं जी नहीं। संकोच मत करो बेटी, जो कुछ पूछना है आराम से पूछो। महाराज आप हमेशा भोजन के लिए दो थाली क्यों मंगवाते हैं? मीनाक्षी, मारकंड ने ना पसंद किया। हे मंदबुद्धि मूर्ख छोकरी, ये प्रश्न दोबारा कभी मत पूछना, अन्यथा दंड की भागी बन जाओगी, समझी? समझ गए महाराज, क्षमा याचना करती हूँ महाराज। मारकंड ने पसंद किया, जाओ तुम्हें माफ किया, जाओ। जी महाराज। इससे मेरी भूख नहीं मिटेगी, मुझे मानव का खून चाहिए, मानव का खून चाहिए। शैतान आत्मा, वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, और इसी तरह तो तिल तिल कर मर जाएगा। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो इस बच्चे का शरीर छोड़ दे। कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरी तरफ से तूने एक ही रट लगा रखी है, जब तू अपनी सीट नहीं छोड़ता तो मैं कैसे छोड़ दूं, कैसे अपनी सीट छोड़ दूं। मैं अपनी सीट नहीं छोड़ूंगा। मारकंड ने ना पसंद किया, जब तक तू मेरी बात नहीं मानेगा मैं तुझे इसी तरह कठोर दंड देता रहूंगा। मुझे मेरा बेटा चाहिए, हे भगवान मुझे मेरा बेटा मिल जाए, पता नहीं कहाँ किस हालत में होगा। शारदा, डॉक्टर साहब मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा ना? जरूर मिल जाएगा। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब करीब पिछले 20 वर्षों से मेरी बीवी इसी तरह पत्थर की मूरत बनी हुई है, न खाने का होश न पीने का ठिकाना, न घर से कोई मतलब न दुनिया से कोई सरोकार। मैंने इसके इलाज के लिए रुपया पानी की तरह बहाया। किसी काम से गया था कि अचानक एक दिन
शारदा, शारदा, are you all right? या, भोलेनाथ का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी खरोची आई है। मगर हमारा राजू? 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 गजब हो गया हमारा राजू ने। क्या हो गया राजू को? क्या हो गया राजू को हमारे? पूरा इलाका छान मारा मगर मगर राजू नहीं मिला। हमारा हमारा राजू नहीं मिला। राजू कहाँ चला गया? मेरा राजू कहाँ है? मुझे मेरा राजू चाहिए। शारदा, शारदा, शारदा मिल जाएगा, मिल जाएगा हमारा राजू, ढूंढ लेंगे हम उसे। शारदा मिल जाएगा। तलाश का सिलसिला कई वर्षों तक जारी रहा डॉक्टर, मगर हमें हमारा बेटा राजू नहीं मिला। क्योंकि राजू की डेड बॉडी नहीं मिली थी, इसलिए हमेशा ये आस बंधी रही कि कभी ना कभी तो हमारा बेटा लौट ही आएगा। इसलिए हम तमाम पेपर्स में ये एड देते रहे राजू की बचपन की तस्वीर के साथ, यहां तक कि मैंने इनाम की रकम बढ़ाकर भी 1,00,000 रुपए कर दी है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ डॉक्टर। इन सब बातों का मेरे बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। आपका बहुत नाम सुना है मैंने डॉक्टर कैलाश, अगर आप मेरी बीवी को क्योर कर देंगे। जल्दी कीजिए त्रिलोचन जी, हमका वसूली पे जाइके। अरे चिंता ना करो लाला जी, अपना उस तरह फ्रंटियर मेल है, फ्रंटियर मेल उस तरह फिर आए के, समझे? हाँ अरे देखिए लाला जी, आपके जंगल को चटियल मैदान बना दिया हूँ, देख लो। अरे ई का ई तो मुझे रही गई, आप तो कह रहे हैं कि हमारा उत्तरा फ्रंटियर मेल है, फिर ये कैसे रह गई? अरे लाला जी, कब से ठीक ही तो कह रहा हूँ कि हमारा उत्तरा फ्रंटियर मेल है, अरे छोटे मोटे स्टेशन पे थोड़ा ही रुकेगा। अबे चुप। ओ त्रिलोचन जी, अरे हमको बाल बाल काटना है, गोविंदा बनना है, कितना टाइम लगेगा? आपको गोविंदा बनना है? अरे हमारी दुकान पे फिल्मी डिनर के सभी हीरो आते हैं, देखो इस वक्त मेरी घड़ी पे 3 बजे है, 4 बजे आना, मैं आपको पूरा गोविंदा बना दूंगा। गोविंदा ठीक है, 4 बजे आता हूँ मैं, गोविंदा बना देना। ठीक है, अरे आना, समझे? अरे ओ संकट बेटा, वो हीरो आने वाला था, क्या हुआ? 4 बजे 4 बजे? अरे हमारा घड़ी पे तो बज गया 6, अब तक ना ओले, क्या बात है? कौनो काम में फंस गया होई? हाँ हो सकता है, खैर छोड़ो इस बात को। अरे ओ बेटी चंपा। हाँ बाबा। अरे बेटी एक पान का बीड़ा तो खिला दे। पीला बाबा। अरे बस कहने की देर और बीड़ा तैयार। हम पहले से ही बना के रखे थे बाबा। अरे कमाल हो गया, अरे बेटी तू तो बहुत समझदार हो गई है, हम बहुत खुश हैं बेटा, हम तो हर दिल की बात पूरा कह दे। बोल बेटा बोल, तू क्या बोलना चाहती है, बोल। काहे बाबा, हम खुश भी ना रह सकते हैं। अरे ऐसा कोई बात नहीं बेटा, तू हमारी बहुत अच्छी लड़की है, तोहरे खातिर तो हम पूरा संसार छोड़ दे, पूरा काम छोड़ दे, मगर हम तोहर दिल की बात हम पूरा करी। देख बेटा दुकान पे बहुत लोग आए हैं, अब तू जा, हम जाते। अच्छा बाबा। जा जा। Yes. Yeah. Very good. 200 for 4, New Zealand. Well, India couldn't have a better man in the long on there. He's bought that position all to her to do with a way round the mid-arm. And...
love you very much. Sorry, wrong number. I love you. Sorry, wrong number. Nilam? Sorry, wrong number. Right number. यार हम सातों दोस्तों की इस रोमांटिक सरगम के हम पांच सुर तो बेसुरे हैं, सिर्फ दो ही सुर सुरीले हैं। पांच सुर बेसुरे और आखिर के दो सुर सुरीले, इस बात का मतलब क्या है सुनील? मतलब ये कि मतलब मैं समझाता हूँ। स यानी सुनील, र र से हो गई रश्मि, ग यानी मैं गिरेश, म मेनका और प पंकज, और हम पांच मोहब्बत में नाकाम हैं। मगर ध और नी यानी धर्म और नीलम, इनकी मोहब्बत तो खूब कामयाब है। ओ धर्म, वी आर सो लकी, अब हम लोग जल्दी शादी कर लेंगे। हाँ नीलम, अब तुम मेरी दुल्हन बनोगी और मैं तुम्हारा दुल्हन। यारों, शादी के वक्त दूल्हा ये सोचकर बड़ा खुश होता है कि आखिरकार उसे एक हसीन लड़की मिल ही गई, मगर वो बेवकूफ ये नहीं जानता कि अब उससे दुनिया की सारी खूबसूरत लड़कियां दूर हो गई। Am I right, friends? Right, chief, right. Thank you.
पंकज तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा प्यार पाने आया हूँ। और वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। क्यों, आखिर क्यों? धर्म में ऐसा क्या है, क्या हीरे मोती जड़े हैं उसमें जो मुझ में नहीं? इसका जवाब मैं तुम्हें कल सवेरे दूंगी। इस वक्त तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ। रातों की नींदें तो तुमने उड़ा दी, सोऊंगा कैसे? डोंट टॉक रबिश पंकज प्लीज। जाते जाते अपने प्यार का नजराना तो देती जाओ। ओह, नजराना चाहिए? दू? दो ना। नजराना चाहिए तुम्हें? जो तुम्हें थप्पड़ मारती है तुम उसके आगे पीछे घूमते हो, और जो तुमसे प्यार करती है तुम उसकी कदर नहीं जानते हो। खैर छोड़ो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ए चुड़ैल की बच्ची, अगर तूने मेरे पंकज पर हाथ उठाया तो तेरा हाथ तोड़ दूंगी। नीलम, हाउ डेयर यू हिट मेनका? मैं तुम्हारी ये खूबसूरत गर्दन मरोड़ दूंगा। गिरीश, इससे पहले मैं तुम्हारी सांसों की टोर काट दूंगा, समझा? खबरदार धर्म, अगर तुमने मेरे गिरीश को छुआ भी तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अरे जाजा, बढ़िया ही खून पीने वाली, एक थप्पड़ मारूंगी ना तो सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। नीलम, माइंड योर लैंग्वेज। नीलम, तमीज के दायरे में रहकर बात करना सीखो। लीजिए, जिनकी कमी थी वो भी आ गए। रश्मि की तरफदारी कर रहे हो जो आपको घास भी नहीं डालती। नो चांस मिस्टर सुनील, एंड रश्मि नो चांस टू यू ऑल्सो, क्योंकि गिरीश तो मेनका से शादी करेगा। ओके, तो आज मेरा भी गिरीश को चैलेंज है। अगर ये मेरा ना हो सका तो मैं मेनका का भी नहीं होने दूंगी। और यही चैलेंज मेरा नीलम के लिए भी है। और अगर तुम मेरा नहीं हो सकता तो मैं नीलम का भी नहीं होने दूंगी। इस जन्म में तुम मेरे सिवा किसी और का घर आबाद नहीं कर सकती मेनका। क्या बात है, आज तो हर आशिक और हर महबूबा चैलेंज के मूड में है। सिवाय मेरे, क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी आप सबसे डिफरेंट है। हम तो तुम्हें चाहते हैं और तुम्हारे चाहने वालों को भी। वेरी गुड सुनील, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ऐसी कौन सी सीरियस प्रॉब्लम है जो इतनी रात को डिस्कस कर रहे हो? हा? वो क्या है ना मैडम, हमारी सोच बहुत छोटी है। ओह, और सुनील के आदर्श बहुत ऊंचे हैं। आई नो हिज थिंकिंग इज वेरी हाई एंड आई लाइक इट। वैसे मैडम, आज हम लोग लव के टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे। ओह आई सी, मैं तो ये भूल ही गई थी कि इस उम्र के नौजवानों को प्यार मोहब्बत के सिवा कोई टॉपिक अपील ही नहीं करता। खैर, अब तुम जाओ और सो जाओ। ओके मैडम, गुड नाइट मैडम। गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू नॉटी। अरे गोविंदा, अरे आप तो कल 4 बजे आने वाले थे, क्यों नहीं आए, क्या हुआ? अरे मैंने आपका बहुत इंतजार किया। वो क्या है कि कल कुछ काम से बैठक गया था, आज कितना टाइम लगेगा? अरे भाई इस वक्त हमारे घड़ी पे बजे है 3, बस 4 बजे तक पूरा काम निपटा लूंगा। ठीक है तो मैं 4 बजे आता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, आज तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अरे संकट बच्चा, साहब के लिए बढ़िया कुर्सी लगा बच्चा, आप पेपर पढ़िए, आप चाय पीजिए, बस आज तो आपको पूरा गोविंदा बना दूंगा। हाँ बोला ना यार 4 बजे आऊंगा। अरे रुक जाइए गोविंदा जी, सबसे पहले हजामत आपकी ही बनाऊंगा। हाँ अरे पहले से इतने शरीफ गिराक लोग बैठे ले, इन पे अत्याचार मत करो यार, कार में 4 बजे आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, 4 बजे आ जाना। आ जाऊंगा यार। अरे हमारा घड़ी में 6 बज गया संकट बच्चा, वो हीरो 4 बजे आने वाला था, अरे आज फिर हमको पूरा चूना लगा के चला गया है। अरे हाँ तिलोचन जी, उसका सूर्य नाती वापस ना आवत है। अरे संकट मोचन बच्चा, अरे चलो चाय वगैरह पीते हैं। हाँ चल। अरे ओ चंपा, अरे तू एक कप चाय लिया? ये लो बापू, गर्मा गर्म 2 गिलास चाय। बेटी कहने की देर नहीं, और चाय हाजिर, जरा पकड़ना बेटा। अरे मेरी बिटिया, आजकल तू बापू का कितना ख्याल रखती है। मैं तो रोज ही बापू का ख्याल रखती हूँ। कितनी बदल गई हो बेटी तुम, किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी को। शाबाश बेटा शाबाश। सेठ जी, दाढ़ी बनवानी है। बेटी तू जरा अंदर जा, जा। अबे ओ दुकान उधर है उधर, अबे ओ लल्लू दुकान उधर है, अबे चल अबे चल। लिपस्टिक देना। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लगता है मैडम हम सारी दुनिया से कट ऑफ हो गए हैं।
आखिर कब तक हमें इस उजाड़खाने में रहना पड़ेगा? बस जैसे ही नदी का पुल रिपेयर होगा ट्रैफिक शुरू हो जाएगी। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि रेडियो लाना तो हम भूल गए और टीवी यहाँ का खराब हो गया है। न्यूज़पेपर तो जरूर आता होगा, जरा वॉचमैन को बुलाना। वॉचमैन, वॉचमैन। बेटी, चौकीदार से क्या मंगवाना है? क्या किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता पड़ गई है? महाराज, क्या इस गांव में न्यूज़पेपर मिलता है? न्यूज़पेपर कोई खाने की सामग्री है क्या? नहीं नहीं महाराज, न्यूज़पेपर मतलब समाचार पत्र। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, समाचार पत्र जिसमें देश विदेश के समाचार छपते हैं। जी हाँ। हाँ, यहाँ बाजार में बिकता है, पर मैं तो नहीं मंगवाता। भला एक तांत्रिक को समाचार से क्या असर होगा? जी हाँ, तुम लोग पढ़ना चाहो तो मंगवा दूँ। बड़ी मेहरबानी होगी। अरे बेटी, मेहरबानी तो केवल काली माता की। अच्छा, मैं चौकीदार को भेजकर मंगवा देता हूँ। बैठो जी। ठीक है। मैडम, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। थैंक यू। पहले मैं पढ़ूंगी, 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 पहले मैं पढ़ूंगी यार, पहले मैं पढ़ूंगी, बोला ना, पहले मैं पढ़ूंगी, पहले मैं, पहले मैं पढ़ लूं। पेपर पढ़ेंगे। अगर पहले मैं इसे पढ़ लूं तो कोई बुराई है? एक काम करते हैं, मैं ही पढ़ के सुना देता हूं। हाँ, तो आज की सुर्खियां ये है कि, अरे अरे, ये काम मैं भी कर सकता हूं। अमा यार, हिंदी तो मेरी भी बहुत अच्छी है। तुम लोग जी भरकर झगड़ा कर लो, तब तक ये समाचार पत्र मैं पढ़ता हूं। जय काली माता की। बेटी, बच्चे की तस्वीर देख ली तुमने? जी हाँ महाराज, 20 साल पहले भवानीपुर में उसका बेटा खो गया था और उसके बाप ने पता बताने वाले को 1,00,000 रुपयों का इनाम भी रखा है। और क्या लिखा है उसमें? उसकी माँ बेटे की जुदाई में रो रो कर पागल हो गई है, पर बाप को अभी तक विश्वास है कि उसका बेटा जिंदा है, क्योंकि उसके बाप ने अभी तक उसकी लाश को देखा ही नहीं है। बेटी, वो बच्चा मेरे पास है। क्या? अब तुम्हें समझ में आया बेटी कि मैं खाने की 2 थाली क्यों मंगवाता था? एक उस बच्चे के लिए। जी हाँ महाराज, पर उस बच्चे को उसके माँ बाप के हवाले क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि आज तक मुझे उसके माँ बाप का पता मालूम नहीं था। ये पता तो आज ही समाचार पत्र में छपा है। तुम मेरे लिए काम करो, तुम उन्हें पत्र लिखकर भवानीपुर बुलाओ। जी महाराज, मैं आज ही लिखकर डाक से भेज देती हूँ। मार्कंडेय ने पसंद किया। जय हो महाराज। और हाँ, जो बात मार्कंडेय ने नापसंद किया वो भी सुन लो। वो क्या महाराज? यही कि बेटी, अपने शरीर के ऊपर वाला कपड़ा थोड़ा और ऊपर कर दो और नीचे वाला कपड़ा थोड़ा और नीचे। वो भी करवा लूंगी महाराज, आराम से। तो आज आप लोगों में से किसी का बर्थडे है, हाँ? कौन है वो खुशनसीब? वो खुशकिस्मत आप है माय डियर मैडम। क्या मतलब? Yeah. आज मेरा बर्थडे है? Yeah. Oh, no. मैडम आप भूल गईं, आज 7 अगस्त है। ओह माय गॉड, 7 अगस्त तो मेरा बर्थडे है। और डिसाइड किया कि आपका बर्थडे केक भी काटेंगे और जश्न भी मनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Happy birthday to you, dear madam. Happy birthday to you.
पागल सी लड़की जिसने मेरा दिल छीना। उसकी भोली सूरत देखी प्यार भरी एक मूरत देखी मुश्किल कर दिया जीना। अरे देखा मैंने सारा जहां, देखा मैंने सारा जहां, देखी ना उससी हसीना। जल्दी से तुम कह दो जी प्यार में हो अगर तुम राजी। चेहरा तेरा जगह कोई ऐसी नहीं, भटका हूँ जाने कहाँ मैं कहीं दिल कहीं। धड़कन भी रुक जाए बुड़के जब शर्माए पातल वो लाल परी। धड़कन भी रुक जाए बुड़के जब शर्माए पातल वो लाल परी। एक बिजली सी करती वो थी एक पागल सी लड़की जिसने मेरा दिल छीना। बाहों में कब आओगे दो की जब दिल सी तड़ा तुम पास मुझे पाओगी। होंगे हम तो बसात लेके हाथों में हाथ हिल जाए दिल की गली। होंगे हम तो बसात लेके हाथों में हाथ हिल जाए दिल की गली। अरे ओ राजा जी। राजा जी नहीं, हीरो नंबर वन। अरे काहे को धंधे की खोटी करते हो हीरो नंबर वन? अरे समय देते हो फिर आते नहीं उस तरह फिराए के। अरे क्या करूँ त्रिलोचन जी, मेरा इतना बड़ा कारोबार है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी काम से अटक जाता हूँ यार। अरे हट, कभी अटक जाते हो तो कभी सटक जाते हो, मगर आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अरे भरोसा कीजिए त्रिलोचन जी, जब तक आप इन ग्राहकों को पटाइए, अरे मैं घंटे में आता हूँ। कसम से। कसम से। अरे ओ संकट मोचन। जी त्रिलोचन जी। संकट बच्चा, अरे वो हीरो है ना, समय देता है मगर दुकान पर आता नहीं। ये ससुरा जाता कहाँ है? इसका पीछा करके मुझे बता उस तरह फिराए के। इला भाई कचब, ये हीरो त्रिलोचन जी का दरवाजा क्या खटखटा रहा है? बापू को शक तो नहीं हुआ गोविंदा? अरे मेरी जान, तू हमेशा एक ही सवाल करती है और मैं एक ही जवाब देता हूँ। तेरे बाप को मेरे पे शक हो ही नहीं सकता है। हमारे बापू को कम मत समझो। अरे हम भी बहुत बड़ा हीरो हूँ। तेरे बाप को ऐसी गोली दी है कि तेरा बाप उसी गोली के नशे में घूमता रहता है। क्यों चंपारानी, चले खोली के अंदर। तो रोका किसने है राजकुमार जी को? तू लोचन जी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात, अब वही जाकर बताता हूँ। अरे संकट मोचन, तू जल्दी आ गया, क्या बात है? अब क्या बताएं त्रिलोचन जी, हमको तो बेहोशी का दौरा पड़े वाला। बेहोशी का दौरा? ई का। अरे वो ससुरा जाता का है, क्या करता है वो पहले हमको बता और फिर खुशी से बेहोश हो जा, समझा? आप तो सब तो बालों पर उस तरह फिरा होता,
वो आपके घर की इज्जत उस तरफ रहा था। सच सच बता संकट आखिर बात क्या है? हम कैसे बता, हमसे बोला ला जात। सच बता संकट वरना तेरी गर्दन पे उस तरह फिरा दूंगा। अब कहा बताए त्रिलोचन जी, वो जो हीरो है ना तो आदमियों का पटा लिया है। क्या बकते हो? हम अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ, आपके घर में आंखों का प्रेम मटक्का चल रहा है। क्या बकते हो? समझ गया, वो हराम ज्यादा मेरी दुकान पर आकर मुझसे समय लेकर मेरे ही घर में जाकर मेरी बेटी को प्रेम का पाठ पढ़ाता है। उस ससुर के टुकड़े टुकड़े कर कर कुत्तों को खिला दूंगा। क्या मजाक लगा रखा है मेरे साथ उसने। संकट जी, तू जा इस दुकान को संभाल, मैं अभी आता हूँ। हीरो नंबर वन। हेलो गोविंदा, अरे तू मुझसे टाइम लेकर मेरे ही घर में मेरी बेटी को प्रेम का पाठ पढ़ा रहा है? अब ठहर जा हरामखोर साले, हट। बापू, हमने तो सिर्फ प्यार किया है, कोई पाप नहीं किया। चुप बेशरम, तूने नाक कटवा कर मिट्टी में मिला दिया। मुझे समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। मैं तुम दोनों को सख्त सजा दूंगा उस तरह फिरा के। अब प्यार की सजा क्या होगी, मेरी और चंपा की शादी होगी। जय हो ससुर जी। हर हिंदी फिल्म में यही होता है, आशीर्वाद यही दोगे या फेरों के समय? मैं अभी तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ। जय हो ससुर जी। अरे भाग साले भाग। अरे भागो, अरे भागो भागो, अरे भागो, ए भागो, आया 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 आया। भाग साले भाग, अगर तू मेरे हाथ में आ गया ना, कुत्ते की मौत तुझे मारूंगा मैं। अबे हट। शारदा शारदा, देखो तो भोलेनाथ ने हमारी दुआएं सुन ली, हमारे बेटे राजू का पता चल गया है। शारदा देखो, भवानीपुर से किसी तांत्रिक ने लिखा है, वो हमारे बेटे राजू के बारे में सब कुछ जानता है। शारदा, हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया होगा ना, अगर हम उसे देखेंगे तो हम दोनों को देखते ही। शारदा शारदा, कुछ तो बोलो शारदा। देखो, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी ना तो मैं भी रोते रोते अपनी जान दे दूंगा। मैं भी हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं, आप भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे जैसे हमारा बेटा राजू हमें छोड़कर चला गया था। मुझे छोड़कर मत जाओ। जय भोलेनाथ, आज बरसों के बाद मेरी शारदा ने पहली बार बात की, अब ये जरूर अच्छी हो जाएगी। शारदा शारदा देखो, हमारे बेटे राजू का पता चल गया। सच सच हमारे बेटे राजू का पता चल गया? हाँ, और मैं उसे भवानीपुर से लेने भी जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। चलो चलो शारदा। छड़ी
की हथकड़ियां खुल गई। चलिए बाहर चलते हैं। हाँ यही है, ले आओ। ये तुम क्या कह रही हो भावना? हाँ दीदी, वो अबला नारी 20 साल से उस तांत्रिक मार्कंडेव महाराज की कैद में थी। अगर मैं तहखाने में न पहुंचती तो वो उसे कैद ही करके रखता, इसलिए मैंने उसे आजाद कर दिया। मार्कंड ने सख्त नापसंद किया, कौर अपराध कर दिया है तुमने। कहाँ हो तुम दुष्ट, कहाँ हो तुम? सामरी मुझे तूने मुझे 20 साल कैद करके रखा, अब तू मेरा कैदी है। खबरे, अगर तू अपनी शक्तियों का अनुचित प्रयोग करेगा तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। सामरी, तांत्रिक जी का कुछ पता चला? जी नहीं, लेकिन कल ही मैंने पुलिस चौकी में जाकर रिपोर्ट लिखवा दी है। मैडम, क्यों ना फिर हम भी अपने सफर पर रवाना हो जाएं? नो चांस सरम, नदी का पुल रिपेयर होने की खबर नहीं मिली। आप लोग किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, जब तक महाराज जी नहीं है मैं पूरा ख्याल रखूंगी आप लोगों का। पुलिस स्टेशन, देखिए मैं मार्कंडेय महाराज के गेस्ट हाउस से बोल रही हूँ और इस गेस्ट हाउस में हमारे एक स्टूडेंट का खून हो गया है और इस वजह से हमारी प्रोफेसर की तबीयत बहुत खराब है। आप जल्दी से इसी वक्त आ जाइए प्लीज। पंकज तुम्हें क्या हो गया, तुम वापस आ जाओ, भले ही मुझसे प्यार मत करो। पंकज हाँ
कितना मासूम, कितना भोला, कितना बेचारा, जिसे कातिल ने बड़ी बेरहमी से मारा। लेकिन ये इंस्पेक्टर समीर उसे नहीं छोड़ेगा, फांसी के फंदे पे लटका के छोड़ेगा। तुम लोगों को किसी पे कोई शक है? हमें इस मेनका पर शक है इंस्पेक्टर। है? हाँ। मेनका? धर्म तुम क्या कह रहे हो, मुझे पंकज का कातिल कह रहे हो? क्यों ना कहूँ, क्या तुमने हम सब लोगों के सामने पंकज को चैलेंज नहीं किया था? ओहो चैलेंज, ओहो चैलेंज। मेनका पंकज का खून नहीं कर सकती। लेकिन इन लोगों को तो मेनका पर शक है, इसलिए मेनका की गिरफ्तारी का मुझे हक है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप खुद ही सोचिए, एक स्टूडेंट अपने साथी स्टूडेंट का खून कैसे कर सकती है? आप प्लीज मेनका का नाम अपनी डायरी से काट दीजिए। मेनका का नाम अपनी डायरी से काट दूं? मैं पुलिस कमिश्नर से तुम्हारी शिकायत करूंगी। देखिए मैडम, पुलिस कमिश्नर साहब से मेरी शिकायत मत करिएगा, ये लीजिए मैं नाम काट देता हूँ। मैंने नाम काट दिया, लेकिन प्लीज आप शिकायत मत करिएगा, क्या है मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे छोटे 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 बच्चे है ना, भूखों मर जाएंगे। अब इसे माफ भी कर दो नीलम। ठीक है ठीक है, थैंक यू। इंस्पेक्टर आप जल्द से जल्द कातिल का पता लगाइए। हाँ। और हाँ, तांत्रिक जी को भी तलाश कीजिए जो अचानक कहीं गायब हो गए हैं। वो तो करना ही पड़ेगा, सूखी पगार में कड़ी से कड़ी नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा डेड बॉडी चली गई, अब मैं भी चलता हूँ। ओके। अरे मुश्किल है यारो दिल बचाना, हंस के किसी का
करने में? मेनका, 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 अपने आप को संभालिए मैडम। अपने आप को संभालो रश्मि। ओह गॉड। लाश को सबसे पहले किसने देखा? मैंने देखा साहब। जब तुमने लाश सबसे पहली बार देखी तब तो तुमने कातिल को जरूर देखा होगा। मैंने नहीं देखा साहब। नहीं देखा? अरे क्यों नहीं देखा? अगर देख लेते तो कितना अच्छा हो जाता। कम से कम हम पुलिस वाले और ये शरीफ लोग परेशानियों से तो बच जाते। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर समीर, आपको इंस्पेक्टर किसने बना दिया है? क्या कहा तुमने? तुम्हारा ये मजल अंदर कर दूंगा। मुझे अंदर करोगे? हाँ। एक कातिल को तो पकड़ नहीं सके, सिर्फ खाना पूरी करने चले आते हो। तो क्या करूं? अरे मेरे पास कोई अलादीन का लैंप थोड़ा ही है कि स्विच ऑन किया और जिन सामने और उसको बोलूं कि भैया कातिल को पकड़ ले। ये माना इंस्पेक्टर साहब कि आपके पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी तहकीकात की गाड़ी का चक्का तो अभी तक जाम है ना। वो आगे बढ़ेगा या नहीं? बढ़ेगा और दौड़ेगा भी तेज रफ्तार से ऐसे। अरे कजरी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। कजरी बहुत प्यार करता हूँ। राजा जी, राजा जी, जी। मैं देख तेरे लिए सोने की चेन लाया हूँ, देखोगी? पसंद है तुझे? पहनोगी? बहुत प्यारी है। हाय, जितनी प्यारी ये चेन है उतनी तू मेरे लिए प्यारी है कजरी। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। अबे बुड्ढे खुसट, तो ये है तेरा असली रूप? अपनी बेटी को सात ताले के अंदर रखता है और कम उम्र की लड़की से इश्क कराता है, तो यही है तेरा असली रूप? अब मैं जाऊं त्रिलोचन जी, जल्दी घर न पहुंची तो भैया नाराज हो जाएंगे। अच्छा कजरी, अब इसके बाद तुम कब मिलोगी? कल इसी जगह इसी समय। कुछ खर्चा पानी तो दे दीजिए। हाँ हाँ लो। इतना ही और चाहिए? फिर हाँ, आए कजरी, तेरे लिए तो मेरी जान हाजिर है। अरे अब तो खुश है ना? इससे क्या होने वाला है? अरे कजरी, दो दिनों में लोगों की हजामत बना लो, तुझे और भी मिल जाएंगे। अरे जा जा जा। हेलो, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो ये 100 का नोट तुम्हारा हो सकता है। कैसे? 100 रुपए कमाना हो तो मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। ओ बाबू साहब, मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की मत समझना। अरे मैं कहा तुम्हें ऐसी वैसी लड़की समझ रहा हूँ? अरे मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझता हूँ। पहले मेरी बात तो सुनो, उसके बाद में गुस्सा करो। तो बोलिए क्या बात है। तो सुनो। बोलिए। ठीक है, मंजूर है। हेलो, तो जाओ। हाँ हाय, सेब की तरह तेरे गोरे गोरे गाल, तेरे काले काले बाल, हाय उस तरह फिराए के। क्या मतलब आपका उस तरह फिरा के? क्या आप मेरे बाल मुंडवाना चाहते हैं? अरे ना ना ना, मेरी जान, मेरी लल्ला, जाने मान जाने बहार, मेरी तो जबान फिसल गई थी। तेरी खूबसूरत नशीली आंखें, तेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे होठ, ऐसी कोई बात नहीं मेरी जान, उस तरह फिराए के। अब बात बात में उस्तरे का नाम क्यों लेते हो आप? क्या अबे कौन है तू? उस्तरा फेराए के दिखाओ चश्मा उतार के।
अबे तू कमबख्त, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत मेरी गिरेबान पे हाथ डालता है। अबे हाथ, अरे मैंने तो तेरे गिरेबान पर डाला है, तूने तो मेरी इज्जत पर डाला है। इज्जत तेरी भी कमबख्त को इज्जत है। अरे इज्जत है कजरी, मेरी इज्जत है कजरी, मेरी सगी बहन है यार। गोविंदा, क्या कजरी तेरी सखी बहन है? हाँ। कजरी, क्या गोविंदा तेरा सखा भाई है? हाँ। ओह माय गॉड, ये क्या किया मैंने? क्यों, अब बोलती बंद हो गई ना? तेरी बेटी के साथ में मेरा मेल मिलाप झेल लगा था ना, और दूसरों की बहन बेटी के साथ में जो तू कर रहा है कितना अच्छा कर रहा है, कितना बड़ा काम कर रहा है। मेरे दोस्त में प्यार में अंधा हो चुका था, गोविंदा तूने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जिंदगी में ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे गोविंदा, मुझे माफ कर दे। अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें वस्त्र फिरा के, शराब नहीं आती है। 60 साल का बूढ़ा के 30 साल की लड़की से प्रेम करता है। अब तुझे लेके जाऊंगा पुलिस में, जब तेरा मग जो तेरे से पड़ेंगे ना तो तेरी अक्कल ठिकाने आएगी। नहीं गोविंदा नहीं, मेरी इज्जत का कोई जुलूस नहीं निकालना गोविंदा। हम दोनों मिलकर कोई ऐसा काम करते हैं दोनों की इज्जत सलामत रहे, उस तरह फिराए के। रास्ता तो सिर्फ एक ही बचा है, पुलिस स्टेशन का। एक रास्ता और है गोविंदा, वो है हमारे घर का। तुम्हारे घर का रास्ता? मैं कुछ समझा नहीं। देखो गोविंदा, तुम हमारी बेटी के साथ प्रेम लीला का रास रचाते रहो और हम तुम्हारी बहन कजरी के साथ प्यार करते रहे। देखो गोविंदा, अब ना नहीं बोलना। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। हाँ हाँ बोलिए, कौन सी शर्त है? बिना शादी के प्यार करना गुनाह है, इसलिए तुम्हें मेरी बहन कजरी से शादी करनी पड़ेगी, फिर मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लूंगा। शर्त मंजूर है? हाँ हाँ 100% मंजूर है। सुनो ससुर जी। हाय मेरे साले, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे ना। हाय मेरी कजरी, अब तो छुट्टी मिल गई ना। सच्ची? हाँ मेरी बच्ची। मगर तुमने बापू को राजी कैसे कर लिया? बस एक ऐसा पासा फेंका कि तेरा बाप वस्त्र चलाना भूल गया। कुछ बताओ तो सही, कैसा पासा फेंका तुमने? बस तेरे बाप का ब्याह पक्का कर दिया। ब्याह? बापू का ब्याह? ये क्या कहते हो तुम? हाँ चंपा रानी, तुम्हें सौतेली माँ झेलनी पड़ेगी, तभी तो तेरा बापू मुझे झेलेगा। आखिर है कौन वो मेरी सौतेली माँ? डरो मत, उम्र वाली तेरी सी छोकरी नहीं है। वाओ।
क्या बात है, तुम दोनों मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मोहब्बत में नाकाम होने वाले इंसान इस हद तक गिर सकते हैं, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ रश्मि। पहले मत बुझाओ धर्म, साफ साफ बताओ आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हम जो कुछ कहना चाहते हैं वो तो हम पुलिस के सामने भी कह सकते थे रश्मि, लेकिन हम चुप रहे। पुलिस के सामने? आखिर मैंने ऐसा क्या जुर्म किया है जो तुम पुलिस के सामने कहने वाले थे? जुर्म? क्या ये मामूली जुर्म है कि गिरीश ने जब तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया तो तुमने उसे मार दिया? तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए हो? आखिर मैं गिरीश का खून क्यों करूंगी? After all, he was my class fellow. एक्टिंग मत करो रश्मि, हमें पूरा यकीन है कि गिरीश को तुमने ही बेदर्दी से खत्म किया है। ये झूठ है। झूठ तुम बोल रही हो, चिल्लाओ मत धर्म। रश्मि इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इसी ने गिरीश को धमकी दी थी कि अगर वो मेरा ना हो सका तो वो मेनका कभी नहीं हो सकेगा। नहीं ये झूठ है, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने गिरीश को नहीं मारा, मैंने किसी का खून नहीं किया। प्लीज लीव हर अलोन, फॉर गॉड सेक प्लीज लीव हर अलोन। मैं जानता हूं रश्मि तुम बिल्कुल बेकसूर हो, तुम गिरीश का खून कर ही नहीं सकती क्योंकि मोहब्बत में लोग जान देते हैं, अपनी मोहब्बत की जान लेते नहीं। सच सुनील। आई मीन इट रश्मि, आई मीन इट। यू आर ग्रेट सुनील, तुम मेरे साथ हो जबकि आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। मैंने कुछ पाने की उम्मीद भी नहीं की रश्मि। आई फील अलोन सुनील। डोंट वरी रश्मि, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। अरे सत्यानाश हो इस कातिल का, कत्ल पे कत्ल किए जा रहा है, बदमाश कानून से डरता ही नहीं। इंस्पेक्टर हा? जब तक तुम जैसे जोकर इस पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते रहेंगे तो कोई भी कातिल कानून से नहीं डरेगा। जोकर? तुमने मुझे जोकर कहा? अरे इतना तो तुम जानते ही हो कि जोकर पब्लिक को हंसाता है, मगर तुम तो ऐसे जोकर हो जो हम लोगों को खून के आंसू रुला रहे हो। हाँ इंस्पेक्टर, ना ही आपने अभी तक कातिल को पकड़ा है, ना ही हमारे महाराज मार्कंड जी का पता लगा सके हैं। प्लीज इंस्पेक्टर, कहीं ऐसा ना हो वो खूनी हम बाकी बचे हुए लोगों को भी खत्म कर दे। अरे उससे पहले मैं आप लोगों को, नहीं मेरा मतलब है उस कातिल को मैं गिरफ्तार कर लूंगा। हवलदार लाश को उठाओ। ये पुलिस इंस्पेक्टर तो सिर्फ लाशें उठवाता रहता है। घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा सदमा पहुंचा है, ये दवाई मंगवा लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। कजरी, मेरी बहन इतनी बेशर्म और साथ में त्रिलोचन, नाम बड़े और दर्शन खोटे, पगला भगत। अबे साले, मेरी बहन पे डोरे डालता है। अरे जब हम तुम्हारी बहन पे डोरे डालता हूं तो तू हमारी बेटी पे डोरे डाल। अरे जब हम तुम्हारे हरा बत्ती दिखा दिया हो तो तू हमारे लाल बत्ती काहे दिखाता है रे? अरे ओ ढक्कन की औलाद, तेरी ये मजाक के हमारी गर्दन पे बंदूक रखता है, अब तेरे नट बोट ढेले हो गए क्या? ये बंदूक देखता है, इसकी सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा, तेरा भेजा पानी के माफिक बहेगा, समझा? अरे कोई लगता है पागल है? पागल पागल होगा तू, मैं तो कजरी का भाई हूं। कजरी, तू तो कहती थी गोविंदा तेरा सगा भाई है, और ये कौन है? वो तो मेरा भाड़े का भाई था, ये तो मेरा सगा भाई है। इसका मतलब ये हुआ कि गोविंदा ने मेरे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है, और को मार मार के जमीन में गाड़ दूंगा। गोविंदा
अबे मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे कहाँ ले जा रहा है तू मुझे? तेरी हजामत बनाने चल। भगवान, जिंदगी में पहली बार मैंने मार खाई है। उस बंदूक वाले ने मुझे बहुत मारा है। अरे गोविंदा, तेरी वजह से मेरी हालत क्या हो गई गोविंदा? अरे तू कहाँ है? मैं आ रहा हूँ गोविंदा। अरे गोविंदा, अरे चंपा, ससुर जी। शाबाश आओ मेरे बच्चे, मेरे जवाई, मेरे गोविंदा, हीरो नंबर वन, आबाद रहो, खुश रहो। आ मेरे बच्चे, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत खुश। कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं? हाँ, यानी कि आप लोग भवानीपुर छोड़कर जा रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी दुनिया छोड़कर नहीं जाना चाहते। सिर्फ दो लड़के और दो लड़कियां जिंदा बचे हैं और एक हमारी प्रोफेसर है जो ऑलरेडी डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं। मगर जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता तब तक आप लोग भवानीपुर छोड़कर नहीं जा सकते। ये देखिए, एसपी साहब का स्पेशल ऑर्डर है। आ,
अंदर जाकर लाश को उठाओ। भावना, इन पुलिस वालों को लाश उठाने के अलावा कोई काम नहीं आता। शुक्र करो ये काम तो आता है। हाउ सैड, एक एक करके मेरे चार स्टूडेंट्स की मौत हो गई है और ये बुरी खबर मुझे आज सुनाई जा रही है। मैम, दरअसल डॉक्टर ने मना किया था आपको बताने के लिए। और वैसे भी मैडम, पंकज की डेड बॉडी देखकर आप बेहोश हो गई थी। आप चार दिनों से बेहोश थी मैडम, अब लगता है आपकी तबीयत काफी ठीक हो गई है। मेरी तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन जिन बेचारों की जान चली गई उनके माँ बाप को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या जवाब दूंगी उनको मैं। एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी, कहीं आप शिव कुमार जी तो नहीं? यस, यू आर राइट, मैं अभी भी भवानीपुर पहुंचा हूँ। क्या मैं तांत्रिक मार्कंडेय से? जी, मैं उनके असिस्टेंट मीनाक्षी हूँ। चलिए हम लोग कहीं और चल के बात करते हैं। हाँ, लेकिन मेरी वाइफ बाहर गाड़ी में बैठी है। कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, मैं उन्हें किसी अच्छे कमरे में पहुंचा देती हूँ। तब तक आप बाजू वाले कमरे में आराम कीजिए। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ देर में आ जाती हूँ। चलिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, आइए। ये आप क्या कह रहे हैं देवी जी, तांत्रिक मार्कंड देव जी गायब हो गए? ये कब की बात है? यही आपको चिट्ठी लिखने के बाद की बात है। यही नहीं, जिस दिन से मार्कंड जी गायब हो गए हैं, इसी डाक बंगले में कॉलेज के दो लड़कों और दो लड़कियों के खून हो गए हैं। मगर ये चारों के चारों खून किसने किए? ये तो वो सवाल है जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। देवी जी, आप मेरे बेटे के बारे में तो कुछ बताइए। जी, जी मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। आपने ये बात मेरी बीवी को तो नहीं बताई? जी नहीं, मैंने उनको कुछ नहीं बताया। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें तांत्रिक मार्कंड देव जी को तलाश करना होगा। वहां देखते हैं। यहां तो नहीं है, कहां गए? उधर देखें, चलो। मेरा बच्चा, आपकी तबीयत फिर बिगड़ जाएगी। एक और खून, और खूनी का कोई पता ही नहीं। ओ, तो आप आ गए। जी आज आपका वो इंस्पेक्टर नहीं आया? जी वो तो भवानीपुर छोड़कर भाग गए हैं। भागे नहीं, चले गए हैं। तो तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? वही जो हमेशा करते हैं, लाश उठाने आए हैं। किधर है लाश? किधर है लाश? बाहर लॉन में।
चल 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 चल। बंगले में भूत है? हम सब ने तुम्हारी चीखें सुनी नीलम। क्या तुमने इस भूत को अपनी आंखों से देखा है? हाँ, वो मेरी इज्जत लूटना चाहता था, लेकिन लेकिन मैं अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रही। ओह माय गॉड, इसका मतलब धर्म, हमारे पांचों स्टूडेंट का खून उसी भूत ने किया होगा। डेफिनेटली मैडम, हम बिना वजह एक दूसरे को खूनी समझ रहे थे। मेरा ख्याल है उस भूत की यहां मौजूदगी और तांत्रिक मार्कंड देव के गायब होने में कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, क्यों मीनाक्षी? जी बिल्कुल, इससे पहले कि वो खूनी भूत हम बचे हुए लोगों को अपना शिकार बना ले, हमें ये डाक बंगला छोड़ देना चाहिए। नहीं मैडम, हम इस शैतानी आत्मा को पकड़कर अपने दोस्तों का बदला लेंगे। गॉड ब्लेस यू यंग मैन, बट दिस घोस्ट इज डेफिनेटली सुपर नेचुरल पावर। अपने आप को क्या समझता है, जैसे कि बहुत बड़ा हीरो है।
मीनाक्षी, ये खून क्या उस भूत ने तुम्हें भी? ओह माय गॉड, मीनाक्षी। शिव कुमार साहब, सामरी का भूत आपके बेटे के शरीर में घुस गया है। क्या मेरे बेटे के शरीर में सामरी का भूत? जी मीनाक्षी, ओह माय गॉड। तुम ही तांत्रिक मार्कंडेय हो? तथास्तु, तुम कौन हो भाई? मैं उस बच्चे राजू का बाप हूं जिसके बारे में तुमने मुझे चिट्ठी लिखी थी। मेरा बेटा कहां है? मैं सब कुछ बता दूंगा, इससे पहले तुम मुझे इस कैद से मुक्ति दिलाओ। लेकिन यहां तो ताला लगा है। ताले की चाबियां दीवार पर मौजूद है। अब बताइए महाराज, मेरा बेटा कहां है? सामरी नाम के खतरनाक जादूगर की आत्मा 20 साल से तुम्हारे बेटे के शरीर में प्रवेश कर गई है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं सच कह रहा हूं श्री कुमार, तुम्हें अपना दिल मजबूत करना होगा। अगर तुम्हें अपना बेटा बचाना है तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर सामरी से टक्कर लेनी पड़ेगी जिसने उसे भयानक प्रेत बना दिया है। मैं सब समझ गया महाराज, सामरी के भूत ने आपके डाक बंगले में ठहरे हुए कई मासूम लड़के लड़कियों को मौत के घाट उतारा है, यहां तक कि उसने कई लड़कियों की इज्जत भी लूटी है। हां शिव कुमार, हमें उसे रोकना पड़ेगा, इस तरह तो तुम्हारे बेटे की जान भी जा सकती है। ऐसा ना कहिए महाराज, वरना उसकी मां बेमौत मर जाएगी। नहीं शिव कुमार, हमें कुछ करना होगा, कोई उपाय सोचना होगा। चलो आइए। Thank you.
शिव कुमार जी, आज मैं जिस महामंत्र का जाप करने जा रहा हूं वो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं किया। इस महामंत्र के चमत्कार से सामरी का प्रेत न केवल आगमन करने पर विवश हो जाएगा बल्कि मृत्यु दंड पाएगा और मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्या इसका कोई और उपाय नहीं है? नहीं शिवकुमार जी, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। जिस प्रेत आत्मा का संहार करना है उसके साथ साथ मंत्रों का उच्चारण करने वाला भी अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। महाराज, मैं आपको इतना बड़ा बलिदान नहीं करने दूंगा। आग्रह मत करो नेक इंसान, यदि मेरी मृत्यु से इतने बड़े राक्षस सामरी का सर्वनाश हो जाता है तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आश्चर्य है महाराज कि आज के इस युग में भी आप जैसे महापुरुष इस संसार में पाए जाते हैं। शिव कुमार जी, और एक कड़वी सच्चाई है जिसे मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता, ना तुम्हें कोई भ्रम में रखना चाहता हूं। ये कि सामरी की मौत के साथ साथ तुम्हारा बेटा भी मर जाएगा। महाराज, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अगर मेरा बेटा मर गया तो उसकी मां इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जानता हूं श्री कुमार जी, परंतु तुम्हारी पत्नी अपने बेटे की ममता में अंधी हो रही है। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर सामरी जीवित रहा तो न जाने कितनी माओं की गोद सुनी कर देगा। और आखिरी फैसला मैं तुम पर छोड़ रहा हूं। यह महामंत्र का जाप मैं प्रारंभ करूं क्या नहीं? हम पति पत्नी अपने दिल पर पत्थर रख लेंगे महाराज, अपने बेटे को खो देने का दुख सहन कर लेंगे, पर उस सामरी का मरना आवश्यक है महाराज, ताकि आज के बाद वो किसी और मां से उसकी औलाद को ना छीन सके। धन्य हो श्री कुमार जी, धन्य हो। आप एक महामानव है, अब मैं इस महायज्ञ को प्रारंभ करता हूं। नहीं महाराज, आप सामरी को नहीं मार सकते क्योंकि मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहती। शारदा, शारदा सब्र से काम लो, अपने कमरे में जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप मुझे भवानीपुर ये कहकर लाए थे कि आप मुझे मेरे बेटे से मिलवाएंगे, मगर यहां तो आप उसकी मौत का सामान करने जा रहे हैं। महाराज, आप यज्ञ आराम करें, मैं अभी आता हूं। शारदा, शारदा मेरी बात तो सुनो, चलो अंदर कमरे में चलते हैं, बात करेंगे। आओ आओ। जय भवानी मां। ओम क्रीम रीम ओम क्रीम चामुंडाय नमः। ओम क्रीम रीम 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 चामुंडाय नमः। Om Krim Rim Chamulai Namaha. 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 Om मजबूर कर दिया। अब ये तेरी तकलीफ तेरी मौत के उपरांत ही समाप्त होगी। अब मौत तांडव नृत्य नाचेगी और हम दोनों इसके शिकार बनेंगे। तू भी मरेगा और मैं भी मरूंगा। रोक दो ये मंत्र। देवी, तुमने ममता में बहकर घोर अनर्थ कर दिया है, अब सामरी कभी नहीं मरेगा। मेरा बेटा अब नहीं मरेगा ना? सामरी, सामरी मुझे मत छूना, मैं मारकंड देव हूं।
महातांत्रिक तो पहले ही उजाड़ चुके हैं, पर मेरे सुहाग की रक्षा करना, वरना मैं आपके चरणों में अपने सर पटक पटक कर जान दे दूंगी। शारदा, तू मेरा बच्चा आ गया राजू।